जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल बैंक में हम जीरो बैलेंस अकाउंट को घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से कैसे ओपन कर सकते हैं। अब फेडरल बैंक में आपको कई तरह के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में उससे पहले हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हमें कौन सा फेडरल बैंक में एक अकाउंट को ओपन करना चाहिए, कौन सा अकाउंट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही भी दोस्तों, जैसे आप फेडरल बैंक में अकाउंट को ओपन करते हैं, इंस्टेंट ही आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको इस अकाउंट में वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। और इस अकाउंट में जैसे आप अकाउंट को अपना ओपन कर लेते हो, वैसे ही दोस्तों बैंक की तरफ से आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। सो आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि फेडरल बैंक में घर बैठे ही हम अपने अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फेडरल बैंक में जितने भी सेविंग्स अकाउंट मिलेंगे वो आपको इस पेज पर देखने को मिल जाएंगे और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक फीड बुक सेल्फी अकाउंट देखने को मिलता है। ये फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को आप अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी सर्विस डिजेबल चल रही है। इसके साथ ही में दोस्तों, यहां पर एक अकाउंट आपको देखने को मिलता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये भी फुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसे ओपन करने के लिए यहां पर एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस अकाउंट में आपको बैंक की तरफ से देख सकते हैं कि कोई भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको फुल इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है। रुपए का डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे फोर विड्रॉ कर सकते हैं, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, फ्री मोबाइल बैंकिंग और यहाँ पर आपको फ्री चेकबुक मिलती है। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको बैंक विजिट करना होगा। सो अगर आप एक वेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेडबुक सेल्फी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जब सर्विस इसकी शुरू हो जाएगी, या तो फिर आप यहाँ पर बेसिक सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम SB प्लस अकाउंट ओपन करने वाले हैं। ये फुल दोस्तों आपको ऑनलाइन प्रोसेस मिलेगा, घर बैठे इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको इस अकाउंट में 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा, बाकी सभी सर्विसेज आपको मिलेंगी। इसके लिए ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप जिस भी मोबाइल नंबर से अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। आप ये ध्यान रखना है कि आपकी कंट्री का कोड आगे लगा होना चाहिए। जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं तो +91 आगे लगाएंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में टाइप करेंगे। सभी परमिशंस को आपको एक्सेप्ट करना है, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, OTP डालेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखेंगे आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे, पैन नंबर को डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड की जाएगी, OTP इस बॉक्स में डालेंगे, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालेंगे, देन सबमिट करेंगे। इसके बाद में आपके पूरे अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, देन इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। जैसे दोस्तों आप अपनी मेल आईडी को फिल करेंगे, फादर नेम को टाइप करेंगे, मदर नेम टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल हैं या फिर मैरिड। इसके बाद में अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे तो वो सभी एड्रेस फिल हो जाएगा, देन इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप नॉमिनी नेम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक रहने देना है और नॉमिनी नेम डालेंगे, नॉमिनी एज डालेंगे, नॉमिनी का रिलेशन क्या है सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनटिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। अब आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप क्या काम करते हैं इसकी बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे, मंथली इनकम आपकी क्या है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। आप जो भी काम करते हैं इसका कितना एक्सपीरियंस है सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी ब्रांच को यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर आपके पास कोई भी रेफरल कोड है तो फिल करेंगे, वरना इसे फ्री छोड़ेंगे।
इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पैन कार्ड रेडी रखना है वीडियो केवाईसी करने के लिए। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी प्रोसेस विद बैंक ऑफिसर। आप यहां पर क्लिक करेंगे और केवाईसी को अपनी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हम वैसे केवाईसी आपको करके दिखा देते, लेकिन यहां पर 8 बजे से 8 बजे तक ही केवाईसी का प्रोसेस होता है वर्किंग डे में। और यहां पर आपको अकाउंट नंबर दे दिया गया है, इस अकाउंट नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। वीडियो केवाईसी जैसे कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन के साथ साथ इसकी ऑफिशियल फीड मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से फेडरल बैंक में अपना एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बैंक विजिट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सेल्फी अकाउंट ओपन करने के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं जैसे एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, और अपना जीरो बैलेंस आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।